दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम ग्रेफ्तार कर पुरानो शत्रुतार जेरे विस्फोरण घटिए पुलिस सूत्रे अंत एरक खबर सीसीटीवी फुटेज देखे ताके ग्रेफ्तार कर लो पुलिस दिल्ली पुलिस स्पेशल टीम ग्रेफ्तार कर व्यक्ति के जाना गया विज्ञानी पुरानो शत्रुतार जेरे विस्फोरण घटिए सीसीटीवी फुटेज खतिए देखे ग्रेफ्तार करा हलो ओई वैज्ञानिक के आमरा विस्तारित भावे जानबो टेलीफोन लाइने रोयेछेन प्रतिनिधि नीरज ठाकुर नीरज जी देखिए ये 9 तारीख को ब्लास्ट हुआ था कोर्ट रूम 102 के अंदर रोहिणी कोर्ट में और उस वक्त ये एक लग रहा था शुरू में पुलिस ने कहा कि ये लैपटॉप की बैटरी फटी है लेकिन बाद में जब वहां काफी सारा पाउडर मिला पाया गया जमीन पे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बुलाए गए स्पेशल सेल की टीम आई और एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी पहुंचे तो पता चला कि टिफिन के अंदर एक आईडी बनाई गई थी लो इंटेंसिटी की जो किसी मकसद से कोर्ट के अंदर रखी गई थी। फिर पुलिस ने उसकी जांच करनी शुरू की और पिछले कल पुलिस जो है वो आरोपी तक पहुंची और देर रात कल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो डीआरडीओ में साइंटिस्ट बताया जा रहा है। सोर्सेज कहते हैं कि उसने ये बम तैयार किया था और एक वकील से दुश्मनी निकालने के लिए जिससे उसकी काफी पुरानी दुश्मनी चल रही थी उसको मारने के लिए ये सब किया गया था। उस वक्त वो वकील भी कोर्ट में मौजूद था लेकिन पीछे था जिसके चलते कुछ कोई किसी को चोट नहीं पहुंच पाई और एक आदमी घायल हुआ था जिसको चोट लगी थी लेकिन लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था लेकिन उससे अफरा तफरी मच गई थी पूरे कोर्ट में और इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिला है जिसमें उन्होंने एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है और ये साइंटिस्ट कौन है इसके बारे में अभी फिलहाल पुलिस ने कोई खुलासा नहीं किया है। सूत्र बताते हैं कि ये साइंटिस्ट है डीआरडीओ में जॉब करता है। नीरज उस वकील की तरफ से क्या कोई रिएक्शन मिला है क्यों उसके ऊपर ये हमला करना चाहते थे ये साइंटिस्ट? जी देखिए अभी तक जो विक्टिम है वकील के बारे में भी कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है कि वो वकील कौन है और उस पर क्या किस तरह की दुश्मनी थी जो उसको बम से ये हमला किया गया। पुलिस जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो पूरा मामला सामने आ सकता है। शुक्रिया नीरज। আমাদের সঙ্গে টেলিফোন লাইনে ছিলেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। যে খবর দিকে আমরা নজর রেখেছিলাম রোহিণীর বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক বৈজ্ঞানিককে জানা গিয়েছে পুরনো শত্রুতার কারণেই এই হামলা চালিয়েছেন তিনি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গ্রেফতার করা হয়েছে তাকে। আমরা আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখব রোহিণী আদালতে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল সেই বিস্ফোরণের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে একজনকে সেই বৈজ্ঞানিক পুরনো শত্রুতার কারণে এই হামলা চালিয়েছেন এরকমটাই পুলিশ সূত্রে খবর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাকে।